नमस्ते जी, मैं डॉक्टर सुनील आर्य और आज मैं आया हूँ इंदौर में मेरे मित्र उदयभान जी के साथ। तो माता जी के घर पे आज आने का अवसर मिला और माता जी को लगभग काफ़ी वर्षों से एक समस्या थी जिसके कारण से माता जी चल नहीं पा रही थी ठीक से। वो आकर के देखा और ईश्वर की कृपा से कुछ उनको थेरेपी दी, उसके बाद माता जी को कुछ प्रभाव पड़ा है। तो मैं माता जी से निवेदन करूँगा थोड़ा अपने बारे में बताएँ और क्या क्या समस्या थी, क्या कुछ आपको आराम लगा कि नहीं लगा, थोड़ा सा आप अपने विचार रखें। मैं मनोरमा देवी चौहान, स्थान कनाडिया, डी ब्लॉक 414। मुझे करीबन 30 साल से कमर डिस्क की प्रॉब्लम थी, घुटनों की प्रॉब्लम थी। मैं चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, झुक नहीं पाती थी। और आचार्य जी ने 10 मिनट में मुझे उठा के खड़ा कर दिया। 10 मिनट में मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ईश्वर इनके हाथ में खूब जस दे और ये सभी को इसी प्रकार से अपने आयुर्वेदिक इलाज से शरीर की सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान कर पाए, ऐसी मेरी बहुत बहुत तारीफ है। बहुत धन्यवाद माता जी। क्या ये 20 साल से जो आप झेल रही थी दर्द को कमर में, तो आपने किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया था पहले क्या? बहुत 3-4 डॉक्टरों को बताया। अच्छा जी, डॉक्टर ने तो घुटनों के वो नए घुटने डांस को कौन सी थेरेपी कहते हैं, नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। हाँ, तो वो करने के लिए कह दिया था, नहीं तो बोले आप बिस्तर से लग जाओगे। तो मैं तो घबरा रही थी कि क्या करना पड़ेगा, तो ईश्वर की दया से आप आ गया अचानक। उदय भान जी को आप इसके लिए धन्यवाद करिए। उदय भान जी में ये मेरे परिचित बेटे हैं और मेरे अपने सगे बेटे से ज्यादा हैं, ये मुझे ध्यान भी देते हैं और इनको मेरा दर्द मालूम था इसलिए ये आचार्य जी को यहाँ पे लेके आए। मुझे इन्होंने, मैं पेशेंट देख रहा, मुझे बोला कि माता जी है और उनको कमर में दर्द है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आचार्य जी की कि आप आए और मुझे इस प्रकार का अवसर दिया कि मैं आपको चलने में कोई, अब एक बार चल के दिखाओ आप सबको। अभी मैं बिल्कुल अस्वस्थ हूँ, अच्छे से चल सकती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब आप ऐसे जैसे फौजी चलते हैं, चल के दिखाइए। ये स्टिक अब आप आज से आपकी छूट गई है जी। इधर से लो भाई, आइए। माता जी फौजी की तरह चल रही हैं, जो पता नहीं 30 साल के बाद सर, 30 साल के बाद इस तरह चली है बिना स्टिक के। अपनी सर्विस में चलती थी मैं। वाह, बिल्कुल एकदम जवान की तरह। खुल गया एकदम शरीर। आसन करो। हाँ करिए ना, करिए। ताड़ासन भी ले भाई। माता जी की बात पूरे देश को सुननी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि एलोपैथी और आयुर्वेद में ये फर्क है। जहाँ 30 साल में एलोपैथी ठीक नहीं कर पाया, माता जी स्टिक लेकर के भी ठीक नहीं चल पा रही थी, आज वो पूरी तरह ठीक चल रही है। ये हमारे ऋषि मुनियों की विद्या है, हम लोग दोबारा से उसको जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पुनः जीवित होगी ऐसी मेरी आशीष है आपकी और ईश्वर की दया से बिल्कुल सफल भी होगी। धन्यवाद माता जी, आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत आशीष, आप यशस्वी हैं।